हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। सितंबर माह में ही जो है NCERT से काफ़ी वैकेंसी जारी की गई, जिसमें नॉन एकेडमिक स्टाफ की वैकेंसी रही है, प्रोजेक्ट स्टाफ की वैकेंसी रही है। फिलहाल हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती का जो नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें कई पोस्ट हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, वोकेशनल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है, प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी है, और साथ में वर्क एक्सपीरियंस टीचर WET इसकी भी वैकेंसी जारी की गई है। परीक्षा नहीं है, कोई फीस नहीं देनी है। जितने भी नोटिफिकेशन अभी तक जारी हुए हैं NCERT से, सभी आप लोगों को सूचित किए गए हैं। तो बिल्कुल नया नोटिफिकेशन जो कि 14 सितंबर 2024 को जारी किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कैसे नोटिफिकेशन को चेक करना है, कैसे अप्लाई करना है, एज क्राइटेरिया क्या कहा गया है, और अलग अलग पोस्ट हैं तो सैलरी भी जो है अलग अलग रखी गई है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो है आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ, NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएँ और यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर 493 है, ये डेट आपको दिख रही है। तो ये 12 सितंबर 2024 को रिलीज़ हुआ है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर 14 सितंबर को आया है। इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, वर्क एक्सपीरियंस टीचर WET ये भी कंप्यूटर साइंस की दो वैकेंसी है, और PGT में एक वैकेंसी है, PRT टीचर में दो वैकेंसी है। इंटरव्यू की डेट जो है वो अलग अलग है। वोकेशनल एजुकेशन टीचर इसमें एक वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन देख लें आप, क्वालिफिकेशन जो है वोकेशनल एजुकेशन टीचर के लिए इन्होंने कहा है कि डिप्लोमा आपका कंप्यूटर साइंस में, IT में, या फिर बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या साइंस में, बैचलर डिग्री साइंस में, BSc कंप्यूटर साइंस, IT वाले, BCA वाले सब आवेदन कर सकते हैं, या आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया है, साथ में PGDCA किया है, DOEC ए लेवल सर्टिफिकेट है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एज लिमिट इसमें 18 से लेकर 37 वर्ष है। आयु सीमा में छूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहने वाला है। इसमें जो है कहा है कि जो कैंडिडेट है उसके पास एक साल का अनुभव, केवल वोकेशनल एजुकेशन टीचर के लिए इन्होंने बोल दिया है कि एक साल का जो है आपका अनुभव होना चाहिए, बाकी जो है यहाँ पर जैसे PRT है कोई अनुभव नहीं चाहिए, हिंदी इंग्लिश जो है मीडियम रहेगा आपका पढ़ाने का। एज लिमिट PRT के लिए 30 साल है, 12th के साथ में आपने प्राइमरी लेवल का डिग्री, डिप्लोमा और CTET प्राइमरी लेवल का, यानी पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें जो है PRT के लिए 26 सितंबर 2024 को 10 बजे इंटरव्यू है, और यहाँ भी देखें वोकेशनल एजुकेशन टीचर के लिए 27 सितंबर 2024 को 3 बजे है। तो डेट और टाइम जो है आप नोट कर लें, क्योंकि एग्जाम नहीं है, केवल इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन है। वर्क एक्सपीरियंस टीचर कंप्यूटर साइंस की जो दो वैकेंसी है, इसमें 2 बजे है आपका 27 सितंबर को इंटरव्यू। इसमें कहा है 3 साल का डिप्लोमा आपका हायर सेकेंडरी कंप्यूटर में, 3 साल का डिप्लोमा आफ्टर हायर सेकेंडरी इन कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट से आपने किया है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई भी इंस्टीट्यूट से किया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर BSc BEd वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये BSc BEd आपका भुवनेश्वर, मैसूर, भोपाल या अजमेर से होना चाहिए, क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, इसमें कंपलसरी नहीं है। PGT कंप्यूटर साइंस की जो एक वैकेंसी है, तो इसमें 1 बजे रहेगा इंटरव्यू 27 सितंबर को, 50% मार्क्स के साथ में। कई ऑप्शन रहते हैं PGT कंप्यूटर साइंस के लिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा, ठीक है, कंप्यूटर साइंस में कोई भी, तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो है BSc MSc कंप्यूटर साइंस वाले, IT वाले, BE BTech वाले तो अप्लाई करते ही हैं। एज लिमिट जो है इसमें 40 साल है PGT के टीचर्स के लिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम रहेगा दोनों ही, तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस के लिए एज लिमिट जो है 35 है, PRT के लिए 30 साल है, वोकेशनल एजुकेशन टीचर के लिए 18 से 37 साल है। सैलरी आपको क्या ऑफर करेंगे ये तो अलग अलग है। इसमें PGT के टीचर की सैलरी 27,500 है,
वर्क एक्सपीरियंस टीचर की 26,250 है, पीआरटी टीचर की 21,250 है, वोकेशनल एजुकेशन टीचर की 25,000 है। तो जैसे केवीएस में जो सैलरी रहती है वही सैलरी जो है यहाँ पर इन्होंने लिखी है, ठीक है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, नीचे 3 पेजों की पीडीएफ फाइल है जिसमें 2 पेजेस में आपका पूरा नोटिफिकेशन है और लास्ट पेज में है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। इसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें, पूरा फिल कर लें और वॉक इन इंटरव्यू के लिए सही समय पर जो डेट बताई गई है उस पर पहुंचना है। तो ये वैकेंसी जो कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर से आई है, उड़ीसा से, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये वैकेंसी है। दूसरा जो विज्ञापन है ये भी 12 सितंबर का ही है और इसमें जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन की वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है। 2 वैकेंसी एजुकेशन में है और 1 वैकेंसी फिजिकल एजुकेशन में है। तो 27 सितंबर को ही जो है 10 बजे और 11 बजे इंटरव्यू रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सैलरी जो ये क्या ऑफर कर रहे हैं, 45,000 पर मंथ। एज लिमिट जो है एज पर UGC, NCERT या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहने वाली है, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन आपकी 55% मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए एजुकेशन में या फिजिकल एजुकेशन में, और UGC स्लैट सेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। या फिर PhD वाले भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। BEd और MEd को जो है इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में रखा है, जिनका क्लियर है तो उनका और भी अच्छी बात रहेगी। ये आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है। तो आपको कहीं पर भी फिल करके भेजना नहीं है, आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप अप्लाई करने के इच्छुक हैं, सैलरी आपको सही लग रही है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है। NCERT में आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर आप 1 ईयर काम कर लेते हैं तो ये आपके लिए अनुभव, काफ़ी बड़ा अनुभव हो जाता है कि NCERT में आपने काम किया है। और बहुत सारी वैकेंसी जो है रेगुलर इसमें आती ही रहती हैं, काफ़ी अच्छी सैलरी जो है ये ऑफ़र भी करते हैं। तो आप जैसे ही आपका टाइम पीरियड पूरा होने को होता है तो उसी वक्त जो है आप फिर से अप्लाई कर दें, काफ़ी वैकेंसी इसमें निकलती ही रहती है। अब मैं आप लोगों को दोबारा से बता देती हूँ एडवर्टीजमेंट आप लोगों को कहाँ मिलेगा। तो जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो अभी अनाउंसमेंट सेक्शन में वैकेंसीज पर आपको नहीं जाना है, ठीक है। अनाउंसमेंट सेक्शन में वैकेंसीज पर आपको नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल की पोस्ट की वैकेंसी है और इसकी डेट निकल गई है। नॉन एकेडमिक स्टाफ, प्रोजेक्ट स्टाफ, इसकी मैंने आप लोगों को बता ही दी है। इस हफ्ते बहुत सारे वीडियोस बनाए गए NCERT से, जो भी वैकेंसी आई वो सभी आप देख सकते हैं या खुद भी यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं। तो आपको ये चेक नहीं करना है शिक्षक भर्ती के लिए। तो आपको कहाँ जाना है, तो जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे यहाँ पर आप लोगों को NCERT भुवनेश्वर, RIE भुवनेश्वर, इसकी साइट पर जाना है, ठीक है। विजिट साइट पर क्लिक करना है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर वैसे भी आपको दिखाई दे ही जाएगा वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट फैकल्टी ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर सेशन 2024-25। तो ये है 492 एडवर्टीजमेंट जिसमें आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर की मिल जाएगी और आगे वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ऑफ डीएम स्कूल के लिए 2024-25 सेशन के लिए, ठीक है। और ये एडवर्टीजमेंट नंबर 493, इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। आगे एक और इसी दिन विज्ञापन जारी हुआ है 14 सितंबर को ही, तो ये जो है पोस्ट ऑफ फार्मेसिस्ट की है, ठीक है। नहीं तो थोड़ा नीचे आएंगे तो नोटिसेस में जो है आप लोगों को ये दोनों विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसको पर क्लिक करना है, ये पूरा विज्ञापन मिलेगा आप लोगों को, 3 पेजों की PDF फाइल, इसको डाउनलोड कर लेंगे जिसमें 2 में आप लोगों को सही तरीके से पढ़ लेना है एक बार, और बाकी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है पूरा।
और ये इसको जो है अच्छे से भर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस एक एक पेज का है, अपने साइन कर लेंगे, डेट प्लेस सब लिख लेंगे और इंटरव्यू के लिए पहुंच जाएंगे। जॉब लोकेशन आपकी भुवनेश्वर ही रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।